64वीं नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का रंगारंग इख्तिताम, आर्मी की टीम छाई रही। डीजी स्पोर्ट्स नदीम सरवर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मर्दों खवातीन की एलीट और जूनियर कैटेगरी में आर्मी की पहली पोजीशन, जबकि विमेन जूनियर में पंजाब पहले नंबर पर रहा। आर्मी की अरसलान अनीस, सबीहा जाहिद मोहम्मद अनीस, जबकि पंजाब की खदीजा नेशनल साइकिलिंग के नए चैंपियन बन गए। इख्तितामी तकरीब में नन्हे बच्चों की म्यूजिक पर शानदार परफॉर्मेंस। नन्हे फुटबॉलर्स ने दिलफरेब ट्रिक से खूब दाद समेटी। चेयरमैन साइकिलिंग फेडरेशन मुअज्जम का कहना था कि पाकिस्तान में साइकिलिंग में बहुत टैलेंट है, सिर्फ हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत है। मैं हुकूमत पाकिस्तान और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब से यही कहूँगा कि साइकिलिंग की बेहतरी के लिए, उसकी तरक्की के लिए इसको नया जो है वो बनाया जाए, और अगर फिल वक्त नया नहीं तो इसको काफी हद तक हम बेहतर कर सकते हैं। फाते खिलाड़ियों ने ट्रैक की बुरी हालत का शिकवा किया कि वेलोड्रोम की खस्ता हाली के बायस कई खिलाड़ी जख्मी हुए। हुकूमत तवज्जो दे। हमारी साइकिल बहुत महंगी होती है, उसके ऊपर ट्यूबलेट बहुत महंगा होता है, जीरो का ट्यूबलेट होता है। यहाँ पे लाजमी पास साइकिल चलती है, सीमेंट है वो टूटा हुआ और टूट जाता है, और जब वो स्लिप कर जाते हैं उसके ऊपर से प्लेयर्स ट्यूबलेट हमारे फट जाते हैं। कल ही यहाँ पे एक्सीडेंट हुए हैं, काफी प्लेयर्स गिर गए हैं। मेहमान खुसूसी डीजी स्पोर्ट्स नदीम सरवर ने फाते खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन मेहरान यूनस के साथ बिलाल अकील, लाहौर न्यूज़।